everyone. So I have recorded things that usually occurs in my life, and we are posted in community medicine, and it's a field visit day. पहुंचने तक की इंतजार नहीं हो रही थी, शुरू कर दिया। देखो, कम्युनिटी मेडिसिन एक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है एंड इट हैज अ ह्यूज सिलेबस। हमें नहीं पता हम कहाँ उतरे हैं, ये तो सड़क है। तो आज के टास्क के अनुसार हम अलग अलग घरों में जाकर जानेंगे कि वो लोग कैसे रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, इन ऑर्डर टू नो देयर लाइफस्टाइल्स एंड प्रिवेलेंट कंडीशंस। चलो, तो हमने एक घर की इन्फॉर्मेशन ले ली है, सो इट्स टाइम फॉर द सेकंड हाउस। इट वाज इजी। इधर नमस्ते करो, इधर नमस्ते कर। ले 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 ले। डर गई बेचारी। तुम दोनों बैठे हो ना, मांगे आ तेरे तो रब्बा। अब करा फाइनली। चलो बताओ, इस गांव का नाम क्या है? इसका नाम है पलहारी। पलहारी तो क्योंकि श्री राम जी जब अयोध्या से यहाँ जाते थे गुरु के टाइम के लिए विश्राम करते थे, पल के लिए विश्राम करते थे, इस गांव का नाम। ऑडियंस तालियां तो बजाओ। शोर 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 शोर। क्या आता है? हाँ पूछने हैं अभी। कुत्ता तो कुछ है, विशाल वो ये रहे। तो हम कई घरों में गए, वाटर सप्लाई से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। कभी कभी बुरा सा भी लगता है, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती और हम कितना ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो हमारी सर्वे लगभग हो गई है, हमने दो तीन घरों में पूछ लिया है रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, कैसे वो लोग रहते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग फोटो खिंचवाने सबके साथ। एंड इट्स अ रैप। बिस्ला पांडे हमेशा तू ही खाती है मेरे साथ। रूम अभी ना एक घंटा है, सो जल्दी सो जाते हैं। थोड़ा सा एक घंटा नहीं है, हाँ टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी सोना पड़ेगा। एज यूजुअल हम लेट मेन गेट में बंद ना करते, अपने बाल बांध लिए, चश्मा लगा लिया है, लेट्स। हमारा कॉलेज थोड़ा सज धज रहा है, दिख नहीं रहा है, आपको दिखाऊंगी, स्टे ट्यून्ड। ये वही ड्रिंक है जो हम लोग फील्ड विजिट में पीने वाले थे। हम बैग यही चोर चले गए, क्लासेस खत्म हो गई, फिर अभी चलते रूम। सो फाइनली इट्स आवर आउटिंग वाला डे, सो अभी जाएंगे हम लोग मोमोज खाने, होपफुली होपफुली लेट्स सी। फिलहाल तो मैं लिफ्ट में हूँ एंड माय फ्लोर इज सेकंड। अगर रूम टूर वाली वीडियो देखी है तो भी वही सुनो, तो अभी जल्दी से जाके तैयार हो गए। थोड़ा सर दुख रहा है, आई होप चाय विल वर्क इवेंचुअली। एक बहुत ही मस्त वीडियो शूट करी है मैंने, बट वो मैंने 9:16 में ले लिया है, बट मैं डाल दूंगी, देखना आप लोग। सो प्रिटी। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन आई डिसाइडेड टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन जस्ट टू मेंटेन द स्टडी हैबिट ऑफ माइंड। सो आई ओपन प्रेप लैडर। प्रेप लैडर हैज दिस कन्वीनियंट फीचर ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो जब भी मुझे पढ़ने को मन नहीं करता, आई जस्ट सिंपली ओपन अ प्रिपेयर्ड टॉपिक का क्वेश्चन बैंक। इससे ना बहुत आसानी से रिविजन हो जाती है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट है, और द बेस्ट पार्ट इज व्हेनेवर वी सिलेक्ट द आंसर्स, द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन गेट्स हाईलाइटेड। आंसर सही हो या गलत, यू गेट द रीजन फॉर ऑल।
all the options. Also, it provides you the learning objectives that summarizes the topic. You can also bookmark for future references. Most of the questions are based on clinical cases or saathi mein these questions are video tagged. So, koi bhi confusion ho, we can simply jump into the video. You can get this QBank Next edition on their new Elite pack. Jaldi enroll karo kyunki slots limited hai and also you can download their app and get 10 days free access to the question bank. तो मैंने जल्दी जल्दी से मुंह धो लिया है ताकि थोड़ा सा यू नो फ्रेश सा दिखूं मैं. मुझे फील हो रही है कि मुझे एक पैरासिटामोल लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत हेडेक हो रही है. सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने थोड़ा बहुत एक थोड़ा क्यूट बनने की कोशिश करी है. थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाया मैंने बहुत दिनों के बाद एंड मैं दिखाती हूँ मेरा न्यू स्पेक्स. माय गॉड द कचरा नहीं दिखाते. सो दीज आर माय न्यू स्पेक्स. बताओ कैसी लग रही हूँ मैं. नहीं ये मैंने कहा मतलब पहन के गई थी अच्छा नहीं दिख रही थी मैं. अच्छी नहीं दिख रही थी सॉरी. तो कमेंट्स में बताना कि ये अच्छी है या जो सुबह को मैं पहन रही थी वो अच्छी है या फिर अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली चप्पल फेंक पुरानी वाली देखी है स्पैक्स तो बताना कि क्या वो ज़्यादा अच्छी थी कौन सा ज़्यादा सूट करा है मुझ पर. कमेंट्स में लिखो अभी 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 पता नहीं बाकी जो दोस्त है वो कब तैयार होंगे. तो तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो जाओ क्योंकि मेरा सर. हाँ पहली बार मैं पहली इतना जल्दी तैयार हुई हूँ. सो दिस इज एन अचीवमेंट. तो रिवॉर्ड के लिए थोड़ा सा सो जाते हैं. बहुत ज्यादा सर दुख रहा है मेरा फट रहा है. सो नहीं पाई बट अगेन द सेम पल्टन इज गोइंग आउट. लेट्स सी क्या करते हैं हम जाके हम लोग. बहुत अच्छा स्टाइल हो रहा है. लो काम करते वक्त शूट कर लेते थोड़ा सा. ये यहाँ पे साफ करना है. सलाइवा रिक्वायर्ड. दिस इज पत्रकारपुरम. बहुत ज्यादा भूख लगी है. क्लास के बाद सीधा हम लोग आ गए. पत्रकारपुरम में एक प्यारी सी मार्केट है. सो वी एक्सप्लोर्ड अ बिट और इयर रिंग्स देख के तो मैं पागल ही हो जाती हूँ. सो बहुत दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए थे तो बड़ा मन कर रहा था. गोलगप्पे खाई और खाना पैक भी करवाया था दोस्तों के लिए भी और खुद के लिए भी. तो हमने ढेर सारा खाना पैक करवाया. तो अभी हम लोग जा रहे हैं पान खाने. हाउस द जोश. हाउस द जोश. हमने थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम ही खा ली थी और ये पान इतना यम्मी था ना गाइस. एक तो शाम से हूँ तो पान तामोल इज एन इमोशन. खाना पीना करते करते ऑलमोस्ट 7:30 हो गया था और हमें जल्दी जल्दी वापस आना था क्योंकि 8 बजे तक ही हमारी आउटिंग्स होती है. और आते वक्त हमने मस्त वाली कैरियोके वाइब ली और साथ में हम सो भी गए थे क्योंकि मेरा तो रोज का है मुझे नींद आ ही जाती है. तो गाइस हॉस्टल आने के बाद देखो मुझे क्या मिला. तो अभी खा रही हूँ जलेबी. इतना ज्यादा सर दुख रहा है ना मुझे लगता है कि न्यू स्पेक्स पहनने के कारण आंखों में ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है जिसके कारण मुझे हेडेक हो रही है. मैं बहुत ज्यादा थक गई. मैं वॉक भी कर लिया हम लोगों ने एंड आई डोंट नो मैं इस व्लॉग को एडिट करके कब डालूंगी. एंड वो ये जो खाना वगैरह लेकर आए थे हम लोग तो इसे बैठ के रूमी के साथ खाना है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप यू गाइस लाइक्ड दिस व्लॉग एंड वीडियो में थोड़ा सा तो अच्छी लगी होगी ना. तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना. ये मेरा कैसा सा हेयर स्टाइल है. बट कोई बात नहीं मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ गए थे. I'm recovering. I don't know. I hopefully I'm recovering. Regrowth हो रहा है शायद से. मैं कहीं से कहीं भी पहुंच जाती हूँ. ये कह रही थी कि मैं रेड कलर के बटन को दबा दूँ. मुफ्त है बिल्कुल दबा दो और घंटे को भी दबा देना ठीक है. क्योंकि मतलब मैं बहुत स्लो व्लॉग्स डालती हूँ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जब भी व्लॉग डालूँ आप लोग मिस कर जाओ. मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ना कंटेंट क्या शूट कर सकती हूँ सोच समझ के यू नो शूट करती हूँ एंड देन डालती हूँ ताकि बेतुका सा या फिर रिपीटेशन ना लगे आप लोगों को. सो do subscribe to my channel and do not forget to like this video. Chalo abhi main chalti hu. Bye. Thank you for watching.